मैं चाहूंगा कांग्रेस छोड़कर आज पार्टी ज्वाइन करने चाह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस के रह चुके जनाब नसीम साहब, उनका सबसे पहले माला पहनाएंगे जनाब अख्तुल इमान साहब और बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब, उनका खैर मकदम करेंगे आज पार्टी में। चले वेलकम। अभी आगे आगे देखिए कितने आरजेडी और कांग्रेस के लोग एमआईएम ज्वाइन करेंगे, आप गिन नहीं पाएंगे। आप सभी हजरात से दरखास्त है आगे आ जाएं, अब वक्त आ चुका है आपके सदर अख्तुल इमान साहब बात करेंगे और जनाब शाहिद साहब जो आरजेडी के पिछले कैंडिडेट थे आज एमआईएम ज्वाइन खुले मंच से कर रहे हैं, जनाब शाहिद आलम साहब का खैर मकदम करते हैं। मैं चाहूंगा उनके जो साहबजादे हैं जिला पार्षद के चेयरमैन रह चुके हैं सरवर साहब, आप भी आगे आए तशरीफ लाएं, उनको भी माला पहनाकर आज खैर मकदम करेंगे। साबिक जिला आजाद समाज पार्टी सीवान जिला अध्यक्ष थे, आजाद सीवान पार्टी के जिला अध्यक्ष आज समाजवादी पार्टी के आजाद साहब आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका खैर मकदम करते हैं। राहुल गांधी ब्रिगेड के महिला जिला अध्यक्ष किशनगंज, राहुल गांधी के महिला ब्रिगेड की किशनगंज की जिला अध्यक्ष, उनका भी हम खैर मकदम करते हैं आज पार्टी ज्वाइन करी। नाम बताइए इनका। बिंदु देवी जी, बिंदु देवी जी का ताली बजाकर खैर मकदम करिए। रबीउल हक साहब का हम खैर मकदम करते हैं जो कांग्रेस छोड़कर आज पार्टी में तशरीफ लाए, उनका खैर मकदम करते हैं। सज्जाद बागी साहब कांग्रेस छोड़कर आज एमआईएम ज्वाइन कर रहे हैं आपके इस खुले मंच पर, उनका खैर मकदम करते हैं। डेलीगेट मेंबर कांग्रेस रह चुके हैं सज्जाद साहब, नसीम साहब अपनी बातों को रखें। अस्सलाम वालेकुम हजरत, खासकर मैं अपने मीडिया साथियों से, मीडिया के तमाम बंधु से अनुरोध कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारे साथ जो कांग्रेस के लोग आए हैं उसमें हमारे अमौर के विधानसभा के यूथ कांग्रेस के एक्स प्रेसिडेंट मुकेश भगत जी मेरे साथ में है। मुकेश भगत जी कोचा धामन के एक्स प्रेसिडेंट जहूर साहब चकला से वो भी आए हैं। अभी हमारे राहुल गांधी के ब्रिगेड के प्रेजेंट हमारे महिला अध्यक्ष बिंदु देवी जी यहाँ प्रेजेंट हैं। हमारे साथ जहूर साहब, हमारे साथ विशाल साहब, हमारे साथ तमाम साथी जावेद साहब, हमारे साथ जहूर साहब, हमारे साथ मुजाहिर साहब, तमाम टीम निसार शेख साहब, सभी लोग आए हैं। मैं ज्यादा वक्त दे लूंगा सर, क्या तकलीफ हुई कि जिनके बाप और दादा खानदान दर खानदान कांग्रेस में रहा और मैं खुद 25 साल से कांग्रेस को खींचा, मैं कांग्रेस के साथ रहा, मैं इलेक्टेड 2010 में यूथ कांग्रेस का असेंबली प्रेसिडेंट बना, 2012 में इलेक्टेड लोकसभा प्रेसिडेंट बना, मैं अभी प्रेजेंट उपाध्यक्ष हूं कांग्रेस का, मजबूर क्या हो गई। मैंने अपने लोगों से, मैं अपने लोगों जी सर, मैं अपने लोगों से बेवफा पाया जिनके लिए हमने कुर्बानी किया 2010 में, जिनको परिसमन सीमा 2010 से पहले हमारे अक्सर इमान साहब हमारा एमएलए किया करते थे, जब 10 में परिसीमा बदल गए पोठिया किसंगे साथ आ गए, हम लोगों ने जद्दोजहद के साथ 10 में उनको एमएलए बनाया, 15 में एमएलए बनाया, 19 में एमएलए बनाया, किसी भाई ने समदानी साहब ने और कोई भाई ने कहा, इतनी तकबूर है उनके अंदर, इतना अहंकार है उनके अंदर कि उस अहंकारी से मैं वादा करता हूं सर 24 के चुनाव तक मैं आपके कांग्रेसियों को तोड़ तोड़ करके जिस तरह तेजस्वी तोड़ तोड़ के ला रहा है मैं तोड़ तोड़ के ला रहा हूं। आज मैं इस मंच में वादा करता हूं कि माननीय असदुद्दीन साहब से रात के 8 बजे समय दीजिएगा, यूथ कांग्रेस कांग्रेस और यूथ आरजेडी के नेताओं को मैं आपके हाथ से सर मलार्पण कराऊंगा। दोस्तों 2 मिनट का वक्त दीजिए सर, हालात वक्त सब चेंज है, दिल में बहुत तकलीफ है, हिंदुस्तान के मजलूमों की कोई आवाज है तो वह असदुद्दीन ओवैसी है, हिंदुस्तान में कोई बोलने वाला है मजलूमों का, दलितों का, मुसलमानों का, अखिलियतों का तो असदुद्दीन ओवैसी है, शेर हिंदुस्तान अगर है तो असदुद्दीन ओवैसी है, शेर बिहार कोई है
तो जनाब अख्तरुल ईमान साहब है। सर मैं भूल नहीं सकता उस पल को जब हमारे उलमा मुंबई में असलम आजारी साहब का जब अरेस्टिंग हुआ तो आपके पार्टी के लोग वहां पहुंचे और ये बोले कि अजहर साहब आप अकेले नहीं हो, आपके साथ असदुद्दीन अवैसी है, अकबरुद्दीन अवैसी है, सभी लोग हम लोग हैं, चूंकि वो मेरे कौम के रहबर है, हम हर कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने मजहब के अकायद के बारे में या मजहब के बारे में कोई कुछ बोले उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर वक्त आएगा, बहुत बातें होगी, बहुत गुफ्तगू होगी, आप लोग मीडिया बंधु मेरे सभी साथी हैं, मैं पुराने कांग्रेसी नेता हूं, मेरे मीडिया बंधु यहां है, मैसेज दे दीजिए कि अभी ये तो एक झांकी है, तमाम कांग्रेस आरजेडी को लाना बाकी है। जय हिंद, जय भारत, जय सरजमीन रहमत पारा।